गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कंडीशन ऑफ स्ट्रक्चरल डिजाइन रे जो प्रॉब्लम टा मु शेयर करथिलि व्हाट्सएप रे सेतिर तुम किछि डाउट थिला, तो से डाउट टा क्लियर पय मु वीडियो माध्यम रे किछि शो करछि। क्वेश्चन रे कोन दैछि, ए रेक्टेंगुलर बीम ऑफ विड्थ 200 mm, विड्थ देला केते 200 mm एंड इफेक्टिव डेप्थ इज 450 mm, द बीम रेइनफोर्स्ड विथ फोर नंबर्स 12 mm डायमीटर रेइनफोर्स्ड इज द टेंसाइल जोन, केते द टेंसाइल जोन रे कोन दैछि ना फोर नंबर्स आउ 12 mm डायमीटर दैछि। Determine the depth of neutral axis is J, the section either it is under reinforced section or over reinforced or balance section, the material used as M15 clear concrete and mild steel. Second data kon dichi, width dichi kete 200 mm, effective depth dichi kete 450 mm na फोर नंबर्स कौन अच्छी रेनफोर्समेंट ये गोटे रेक्टांगुलर बीम तार बी देला के 200 mm डी के देला इफेक्टिव डेप्थ 450 mm ये कौन देला ना डी दैट इज इफेक्टिव डेप्थ केते नंबर रेनफोर्समेंट लगे ना फोर नंबर्स केते mm ना 12 mm फोर नंबर्स 12 mm डायमीटर 10% लगे देन गिवन डाटा बर्तन लिखुची विड्थ ऑफ डेप्थ मुझे लिखी 200 mm इफेक्टिव डेप्थ है 450 mm एंड फोर नंबर्स कौन लगे ना 10% लगे आउ 12 mm डायर मांगी कौन आम डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस बाहर करवा ता पूर्व में कौन देखा ना डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस बाहर करने पूर्व देखा सी क्वेश्चन में कौन दीजिए तापर ना चेक द सेक्शन आइदर इट इज अंडर एंड पर सेक्शन कि ओवर एंड पर सेक्शन कि बैलेंस सेक्शन एति के हमें बाहर एटा जानि सला पोरे ता पोरे हम बाहर करना डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एते ग्रेड लागी छी कंक्रीट ना एम 15 ग्रेड कंक्रीट लागी छी दैट इज एफसीके इक्वल टू एम 15 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर नेक्स्ट कर दीजिए ना एफ आई के दीजिए माइल्स टू जस्ट दीजिए सच में 250 mm सॉरी न्यूटन पर mm स्क्वायर गिवन है हमें पाई थी बर्तन में बाहर करनी कौन ना एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट एएसटी एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट तार फार्मूला कौन ना पाई बाय 4 इनटू डी स्क्वायर इनटू नंबर ऑफ बार पाई बाय 4 इनटू डी स्क्वायर कितने दीजिए हम कितने एमएम बार दीजिए ना 12 mm डायमीटर दीजिए 12 रो स्क्वायर इनटू नंबर ऑफ बार कितने 4 नंबर्स कितने बार ना 452.36 mm स्क्वायर नेक्स्ट कौन बार ना डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस दैट इज एक्स यू तार फार्मूला कौन ना 0.87 एफ वाई एस टी डिवाइडेड बाय 0.36 एफ सी के बी एक्स यू इक्वाल टू 0.87 इंटू मोर एफ आई रैल्यू के दीजिए ना 250 इंटू एस टी एस टी रैल्यू बाहर करते हैं ना 452.36 डिवाइडेड बाय 0.36 इंटू एफ सी के दीजिए मोर ना 15 इंटू बी के दीजिए मोर बी दीजिए 200 तो मोर बाहर के 91.1 mm नेक्स्ट मुझे कौन बाहर करी ना मैक्सिमम मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कौन ना एक्स यू मैक्स मैक्सिमम एक्स यू मैक्सिमम इक्वल टू तार फॉर्मूला कौन ना 0.53 इंटू डी 0.53 इंटू डी के मोर दीजिए डी के बाहर करते देखा क्वेश्चन नंबर ना 450 वैल्यू मोर के 2.38.5 mm सिंस एक्सयू बर्तमान आम कंपेयर कर एक्सयू एक्सयू डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आउ मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस देले आमे जानिबा एटा अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन कि ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन कि बैलेंस सेक्शन ऑफ एक्सयू बर्तमान वैल्यू हमर के दीजी एक्सयू रे वैल्यू के दीजी ना 91.1 mm आउ
एक्सट्रीम मैक्सिमम रो वैल्यू केते छि ना 238.5 एमएम हमर कोन कंडीशन थिला मु आगर क्लास रे कहिथिल ना एक्सयू लेस देन एक्सयू मैक्स इट इज अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन देन एक्सयू इक्वल टू एक्सयू मैक्स इट इज बैलेंस्ड सेक्शन नेक्स्ट कौन कही गोटे ना एक्सयू ग्रेटर देन एक्सयू मैक्सिमम इट इज ओवर रेनफोर्स सेक्शन सो तीन टा कंडीशन रु आम कौ कंडीशन देखे बर्तन जेहेतु आम एक्सयू फास्ट वैल्यू के ना 91.1 एम एम ये एक्सयू मैक्स के दीजिए ना 238.5 एम एम बर्तन एक्सयू लेस देन बर्तन अच्छे फास्ट कंडीशन एक्सयू लेस देन एक्सयू मैक्स बर्तन सेम अच्छे एक्सयू भी सान अच्छे एक्सयू मैक्सिमम भी ये बड़ अच्छे तेनाली कौ कंडीशन हो ना एक्सयू लेस देन एक्सयू मैक्सिमम इट इज अंडर सेक्शन 91.1 इज लेस देन 238.5 एम एम सो प्रॉब्लम इज सॉल्व.